आज जुमा मुबारक का इस्तेमाल माशाल्लाह बहुत कसीर तादाद में हुआ है। अल्लाह हमें भी वहाँ जुमा जाके पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बाइक पड़ा था बाबा जी सईद कादरी साहब मौजूद हैं, उनकी दुआ लेने के लिए कि तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है, तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है। हम सब उस दर के गदा हैं जहाँ खजा नहीं बहार है, दर्द नहीं दवा है, मर्ज नहीं शफा है, मरीज नहीं बल्कि दोनों जहां का तबीब है। हम सब उस दर के गदा हैं और वो दर ऐसा दर है कोई जर्रा जाए गौहर बना दिया जाता है, कतरा जाए समुंदर बना दिया जाता है, बेकमाल जाए साहिब कमाल बना दिया जाता है। वो दर ऐसा दर है, लेकिन दर ऐसा दर सुनियो के सर के ताज आशिकों के इमाम आला हज़रत लिखते हैं कि उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अरे भैया मंगते तो है मंगते, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, तो फिर क्यों ना कमा कि खाक मुझमें कमाल रखा है। अरे खाक मुझमें कमाल रखा है, बस मुस्तफा ने संभाल रखा है। एजाज में कब का मर गया होता, आका के टुकड़ों ने पाल रखा है। क्योंकि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, खुदा की कसम ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। आका झोली मेंगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। अरे हम जैसों को नकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। मेरे आका अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली या गौसे आज़म जिंदाबाद, क्योंकि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। आका या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़किए खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। मेरे आका देते हैं हमें नवाजते कैसे, सुनिएगा सुनिएगा। यासीन अजमल साहब लिखते हैं कि मेरे नबी नू रब ने शान बख्शी, मेरे 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 नबी नू रब ने शान बख्शी, रुख नाल इशारे तोर देंदा, बेपरानू मिल देने पर मदीनियो, बेजोरियानू सोना जोर देंदा। अजमल मंगा मैं जदो हजूर कोलो, मेरा नबी मैनू फिल फौर देंदा, सदके जावा मदीने दे शहनशाह तो पहले मुकदे नहीं अगो होर देंदा। भाई सदके जावा मदीने दे शहनशाह तो, लेकिन तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी जौके वफा है कि नहीं है, कुछ सोच के आता है तेरा रिज्क कहां से, कुछ सोच के आता है तेरा रिज्क कहां से, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। लेकिन सिद्दीक उमर आज भी है जिंदा जहां में, सिद्दीक उमर आज भी है जिंदा जहां में, सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है, सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है। सैयदना सिद्दीक अकबर का वो माना कि जब मेरा विसाल हो जाए सरकार की बारगाह में जाके रखना, अगर तो इजाजत मिले तो अंदर लिटा देना, वगरना जन्नतुल बकी ले जाना। जब सैयदना सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, आपको जाके सरकार की बारगाह में रखा गया, दरवाजे के करीब अर्ज किया हजूर आपका गुलाम हाजिर है, अंदर से आवाज आई, पहले दरवाजा खुला फिर आवाज आई महबूब को महबूब से मिला दो। अरे भैया दरवाजा खोलने वाला कौन है, दरवाजा खोलने वाला कौन है, आवाज देने वाला कौन है, कहना पड़ेगा कि मर गए जिना दे वही कहन मर गए। भाई मर गए जिना दे वही कहन मर गए। साडा ते हर एक ताजदार जिंदा। मौजू और तरफ निकल जाएगा, वक्त नहीं है, आगे वक्त मिला तो अर्ज करूंगा। लेकिन सिद्दीक उमर आज भी हैं जिंदा जहां में, सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है, सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है। वक्त को देखते हुए हाजिरी पेश करूंगा, क्योंकि मुझे जो हुक्म है इंशाल्लाह मैं वैसे रहते हुए इंशाल्लाह उस वक्त पर दुरूद सलाम की जानी बढ़ूंगा। लेकिन फिल वक्त हमारे इलाका के इसी आपके इलाका के मेरी मुराद अली हसनैन कादरी साहब तशरीफ लाएंगे और हाजिरी पेश फरमाएंगे। अली हसनैन कादरी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि का या
पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि काया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि काया हबीब अल्लाह ए नबियां दा नबी मेरा फातिमा
मौसने अदी है फातिमा फातिमा तुम बड़ी सखी है फातिमा इख्तियार गली के बावजूद इख्तियार कुल के बावजूद इख्तियार कुल के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा चक्की पीसती है फातिमा फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा सलामत रहे जी सलामत रहे अल्लाह मालिक और इज़्ज़त नवाज़ी माशाल्लाह बहुत आला। मैं बिला तखीर अगली शख्सियत की जानिब बढ़ने जा रहा हूँ हमारे दरमियान।